वाले आपका सर जी। सर मेरे पे सर पीएनबी के 330 शेयर है एट द रेट 128.50। क्या करना चाहते हैं, बेचना है कौन है क्या सर? पूछना चाहता हूँ सर, सर होल्ड करूँ क्या करूँ सर? 5-6 रुपए का नुकसान है आपको भी? हाँ नुकसान है सर। गावा सर पीएनबी होल्ड करना चाहिए क्या 128.50 पे अगर खरीदा है तो? देखिए पीएनबी का चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है, शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है, करीब 3 महीने से वीकनेस है, लेकिन अपमूव मिलना चाहिए। सपोर्ट 115 के आसपास है, अब 122 के आसपास है। अगर ट्रेडिंग का नजरिया है तो फिर तो साइडवेज मूवमेंट है, थोड़ा बेरिश फायदा है, लेकिन इसका नजरिया लंबा होगा तो मेरे ख्याल से अपमूव मिल सकता है। पीएनबी कितने भाव पे खरीदा हुआ है? 109 पे। और कितना रुकने की मंशा है? 6 मंथ 6 महीने रुकना है। चलिए 109 के भाव पे लिया हुआ है अविनाश, 6 महीना और रुकते हैं तो फिर कितने स्टॉप लॉस के साथ रुके अविनाश और कितना मुनाफा ये कमा पाएंगे, इनके बाइंग लेवल्स अच्छे हैं? नहीं बिल्कुल, मुझे लगता है कि देखिए सरकारी बैंक्स में पीएनबी के नंबर्स अगर हम पिछले 2 क्वार्टर के देखें तो काफी अच्छे हैं। प्लस मुझे लग रहा है कि एक बार नई गवर्नमेंट आती है, नया गवर्नमेंट बजट आता है तो बैंकिंग सेक्टर को काफी बड़ा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि कॉर्पोरेट कैपेक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सेक्टर्स पे गवर्नमेंट का फोकस होना चाहिए। तो करीबन 150 रुपए का भाव करीबन अगले 5-6 महीने में आ सकता है, हो सकता है 160 भी मिले, लेकिन थोड़ा सा टाइम फ्रेम इनको लंबा रखना चाहिए। मैं समझता हूँ अगर 6-12 मंथ्स का नजरिया लेते हैं तो सरकारी बैंक्स में पीएनबी में रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा बन सकता है, टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखें। ठीक है, तो थोड़ा आपको टाइम फ्रेम लंबा रखना होगा पीएनबी में। बढ़ते हैं आगे।